समय आज 23 अगस्त है और आज के दिन शुकपुरा में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित थी, जिसमें शहीदों को नमन करते हुए लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। हम इस वक्त यहाँ हैं मौजूद शहीद स्मारक के पास। सन 1942 क्रांति की बात कम कर रहे हैं, उस क्रांति की बात कर रहे हैं जब अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के बलिया के बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने जो भूमिका निभाई थी, उसी के देन है कि बलिया 14 दिनों के लिए आज़ाद रहा और क्रांति का जो बिगुल बजा, हर क्षेत्र से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंक कर बलिया को आज़ादी दिलाई। हम बात करते हैं 1942 क्रांति की, जिस क्रांति के तहत पूरे जनपद में जगह जगह स्मारक पर शहीद दिवस मनाया जाता है। ये बात करते हैं हमारे बीच जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवलेश कुमार सिंह, इस समय शुकपुरा में हैं, काफ़ी देर शाम आप आए हैं और यहाँ से शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बात कर रहे हैं अवलेश कुमार सिंह जी से। जी आज के दिन क्या है? आज के दिन सन 1942 में स्वतंत्रता दिवस में हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनको हम लोग नमन और प्रणाम कर रहे हैं, शहीद दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर आज शुकपुरा में आए हुए हैं हम लोग, शहीद चंदीलाल जी, शहीद कुलदीप सिंह जी और शहीद गौरी शंकर जी, ये लोग 1942 में शहीद हुए थे। तो शहीद दिवस के मौका पे यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जा रहा है, उसी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और पुष्पांजलि करने के लिए हम लोग हैं। और बलिया जनपद सबसे पहले 1942 में आज़ाद हुआ था, तो बलिया में बड़े गर्व की बात है और शहीदों को हम लोग सब जगह नमन प्रणाम करते हैं, शहीद दिवस मनाया जा रहा है। बलिया क्रांति 1942 की बात करते हैं, बलिदानियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये नारा पूरे दिन तक गूंजता रहा। आज सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा थी जिसमें लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, इसमें सेनानी थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के भी लोग थे, व्यापारी थे, समाजसेवी थे, शिक्षक थे, कर्मचारी थे, सभी लोगों ने शहीद स्मारक पर पहुँचकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहता ही जुड़े रहें हमसे बलिया। मैं रूप संजय अथवाल, नमस्कार।